हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने वन प्लस फ़ोन में आप कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे आप इसका यूज़ कर पाएंगे अपने वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे वाईफाई स्कैनर सेटिंग्स का आप यूज़ कर सकते हैं वन प्लस फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि वाईफाई स्कैनर का यूज़ करके कैसे वाईफाई नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं, इसमें आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही बेल आइकन ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पर जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स है ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए वाईफाई स्कैनर सेटिंग्स को भी आप सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने वन प्लस फ़ोन में। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है, जिसमें से आपको वाईफाई ऑप्शन पे जाना है। तो वाईफाई ऑप्शन पे जाकर आप वाईफाई सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से वाईफाई को ऑन कर सकते हैं, जिससे वाईफाई स्कैनर का यूज़ कर सकते हैं और वाईफाई स्कैन करके भी नेटवर्क को आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपली इस तरीके से स्कैनर सेटिंग्स आपके फ़ोन पे शो होती है, यानी वाईफाई के जरिए स्कैन करके आप वाईफाई नेटवर्क को किसी भी दूसरे डिवाइस में आप कनेक्ट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने वन प्लस फ़ोन में, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं और कर पाएंगे। और सिंपली आप जैसे कोई भी नेटवर्क कनेक्ट करना चाहते हैं पासवर्ड डाल के, तो यहाँ से कुछ जो भी आपका पासवर्ड है वाईफाई का जिसको आपको पता होगा, तो भी पासवर्ड आप डाल के कुछ इस तरीके से सेव करके नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी पासवर्ड डाल के जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी नेटवर्क एंड वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, उसका यूज़ भी आप कर सकते हैं अपने वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन में, इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।